नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे दोस्तों जो प्रायोगिक भूगोल की पुस्तक है दोस्तों, जो हमारे 11th की तीसरी पुस्तक उसका, और दोस्तों हमारे जो चैप्टर है सिलेबस का 24वां चैप्टर उसको आज हम पढ़ेंगे। उसके बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण 20% है आपके, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये आपके दोस्तों मानचित्र प्रकार मापनी और इसके अनुप्रयोग जो भी है। और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल यानी अड्डा एमसीक्यू जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर दोस्तों आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पुराना मानचित्र कहा गया, कहाँ पाया गया, यहाँ पे पाया होगा कहाँ पाया गया, यानी सबसे पुराना जो मानचित्र है वो दोस्तों कहाँ पर पाया गया। तो ये पाया गया दोस्तों आपके जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहाँ पर दोस्तों ये सबसे पुराना मानचित्र पाया गया। और इस मानचित्र की बात करें तो ये आपके चिकनी मिट्टी का बना हुआ था, किसका, चिकनी मिट्टी का बना हुआ था। और दोस्तों ये लगभग 2500 ईसा पूर्व पुराना है, कितना है, 2500 ईसा पूर्व पुराना। अब दोस्तों इसकी वर्तमान की बात करें तो ये दोस्तों वर्तमान में आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके दोस्तों म्यूजियम में, उसके म्यूजियम में ये जो सबसे पुराना आपके मानचित्र है, जो मेसोपोटामिया का मानचित्र है, ये आपके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में दोस्तों ये रखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन अ। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, मानचित्र कला की नींव किन भूगोलवेत्ताओं द्वारा रखी गई। तो मानचित्र कला की नींव किन भूगोलवेत्ताओं द्वारा रखी गई, तो ये भूगोलवेत्ता थे दोस्तों आपके अरब और दोस्तों यूनान के भूगोलवेत्ता, यानी अ व ब दोनों इसके सही उत्तर होंगे। और दोस्तों इनके द्वारा भौगोलिक निर्देशांक पद्धति का उपयोग किया गया, और इनके द्वारा भौगोलिक निर्देशांक पद्धति है और इनके द्वारा ये दी गई, ये थे आपके अरब और यूनान के भूगोलवेत्ता। और इन भूगोलवेत्ताओं की बात करें तो कुछ के नाम है दोस्तों आपके, जैसे टॉलमी, इरेटोस्थनीज और हिपारकस, यहाँ पे हिपारकस, और बात करें तो आपके प्लेमिजेंडर, ये कुछ भूगोल वेता है और जिन्होंने मानचित्र कला के दोस्तों नींव रखी, और ये थे आपके अरब और यूनान के भूगोल वेता। तो स ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे लिए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न है, मापने के आधार पर मानचित्र के प्रकार होते हैं, तो ये होते हैं आपके वृत्त मानचित्र और लघु मानचित्र, यानी अ व ब दोनों इसके सही उत्तर होंगे। और वृत्त मानचित्र भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला होता है आपके भू संपत्ति मानचित्र, कौन सा, भू संपत्ति मानचित्र, दूसरा है आपके स्थलाकृति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र। और लघु मानचित्र की बात करें दोस्तों तो लघु मानचित्र भी आपके दो प्रकार के, ये आपके पहला तो भित्ति मानचित्र और दूसरा है दोस्तों आपके एटलस मानचित्र, कौन सा, एटलस मानचित्र। तो मापने के आधार पर मानचित्रों के प्रकार कितने, दो है, ये वृहत मानचित्र और लघु मानचित्र। वृहत मानचित्र भी दो प्रकार के, पहला भू संपत्ति मानचित्र, दूसरा स्थलाकृति मानचित्र। और दोस्तों लघु मानचित्र भी आपके दो प्रकार के, ये भित्ति मानचित्र और एटलस मानचित्र। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन स होगा, यानी मानचित्र मापने के आधार पर मानचित्रों के प्रकार कितने, दो है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों चौथा प्रश्न है, गांवों का भू संपत्ति मानचित्र किस मापने के आधार पर बनाया जाता है। तो दोस्तों गांवों का भू संपत्ति मानचित्र बनाया जाता है 1:4000 के मापने के आधार पर। ये तो हो गया दोस्तों आपके गांवों का भू संपत्ति मानचित्र। और इसकी बात करें अगर तो ये बनाया जाता है दोस्तों नगरों का, ये आपके नगरों की मापनी है। ये तो होगी गांवों की मापनी, अगर नगरों के बारे में पूछे तो नगरों की है दोस्तों 1:2000। तो इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन होगा, हमें गांवों के बारे में पूछा है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे पांचवा प्रश्न, मानचित्र धरातल के आलेखी निरूपण होते हैं।
तो दोस्तों ये आपके कुछ मानचित्र की दोस्तों परिभाषा है जो किनके द्वारा दी गई, कुल भूगोलवेताओं द्वारा दी गई, उससे संबंधित ये आपके प्रश्न है। तो पहली परिभाषा है दोस्तों आपके मानचित्र धरातल के आलेखीय निरूपण होते हैं। तो उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो इस ये परिभाषा आपके दोस्तों फिंच और टिवार्ता द्वारा, ये परिभाषा किसके द्वारा, फिंच और टिवार्ता इन दोनों के द्वारा ये परिभाषा दी गई। तो ऑप्शन स हमारे दोस्तों राइट आंसर होगा। आसान सा टॉपिक है दोस्तों, पढ़ने में आपके और समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे छठा प्रश्न। तो छठा है दोस्तों निश्चित मापने के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों को समतल सतह पर प्रदर्शन करने को मानचित्र कहते हैं। अब ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई, पहली परिभाषा अभी हमने पढ़ी जिसको फिंच और टिवार्ता द्वारा वो दी गई थी, और ये परिभाषा है दूसरी आपके निश्चित मापने के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों को समतल सतह पर प्रदर्शन करने को मानचित्र कहते हैं। तो उपयुक्त परिभाषा दोस्तों दी गई किसके द्वारा, ये दी गई एफ जे मैकहाउंस द्वारा, एफ जे मैकहाउंस द्वारा। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। परिभाषाओं से संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछे आपके जा सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों सातवां प्रश्न कि मानचित्र के अनिवार्य तत्व है, यानी मानचित्र का शीर्षक होना चाहिए कि वो किस प्रकार का मानचित्र है, उसका मापक होना चाहिए, मापक के बिना दोस्तों वो मानचित्र बेकार है, वो मानचित्र नहीं कहलाएगा, और संकेत चिन्हों के दोस्तों किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं मानचित्रों में, तो ये अनिवार्य तत्व है आपके, और दिशा भी है, प्रक्षेप है और परंपरागत रूढ़ चिन्ह है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 है, ये सभी तत्व है जो मानचित्र के अनिवार्य तत्व है। तो इसका सही ऑप्शन आपके ऑप्शन द होगा। चलते हैं हमारे अगले आठवें प्रश्न की ओर। आठवां है दोस्तों हमारे रेखाओं एवं आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है, तो इनमें दोस्तों आपके मानचित्र की मापनी दोस्तों बेहद ही अनिवार्य है, इसके बिना दोस्तों मानचित्र नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों मापनी क्या मापनी मानचित्र की शुद्धता का प्रतीक है, किसकी शुद्धता का प्रतीक है, क्योंकि दोस्तों मानचित्र में हम किसी भी बड़े क्षेत्र को एक छोटी सी जगह में प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए दोस्तों इसकी मापनी आवश्यक है। तो अनिवार्य कौन सा है दोस्तों इनमें से, आपके मानचित्र की मापनी, तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों है एक मानचित्र जिसकी मापनी 1:4000 या उससे बड़ी है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसकी हमने शायद पिछले प्रश्न में चर्चा की थी। तो ये आपके भू संपत्ति मानचित्र और ये आपके गांवों का, ठीक है, तो अ ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों दसवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है, तो मानचित्र का प्रक्षेप अनिवार्य है, व्यापकीकरण अनिवार्य है और अभिकल्पना भी दोस्तों अनिवार्य है, लेकिन मानचित्र का जो इतिहास है वो इसके लिए मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है, तो द ऑप्शन आप किसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न दोस्तों मानचित्र पर क्षेत्रफल के मापन के लिए निम्न में से उपयोग किया जाता है, वो बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसकी पूरी की पूरी दोस्तों यानी 100% आपकी संभावना है। तो मानचित्र पर क्षेत्रफल के मापन के लिए दोस्तों इनमें से आपके प्लेनीमीटर का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, प्लेनीमीटर का। अब दोस्तों शॉर्ट रूप में हम समझ लेते हैं कि आपके प्लेनीमीटर है वो किस प्रकार का यंत्र है। तो दोस्तों प्लेनीमीटर में क्या होते हैं, आपके आर्म होती है, कितनी आर्म, ये आपके 2 आर्म होती है। अब इन आर्म की बात करें दोस्तों तो इसे तो कहते हैं आपके एंकर आर्म, क्या कहते हैं, एंकर आर्म, और इसे कहते हैं दोस्तों आपके ट्रेसिंग आर्म, क्या कहते हैं, ट्रेसिंग आर्म। इससे ही दोस्तों यहाँ पर इससे ही किसी भी क्षेत्रफल मानचित्र के क्षेत्रफल दोस्तों इसको घुमाया जाता है, ये तो दोस्तों आपके फिक्स रहती है जिसे एंकर आर्म कहते हैं, ये आपके फिक्स रहती है और इसको दोस्तों पॉइंटर की सहायता से जो भी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है वहाँ पर घुमाया जाता है, और इसके पश्चात दोस्तों आपके यहाँ पर मेजरिंग व्हील होता है, क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक मेजरिंग व्हील जिसे मेजरिंग व्हील कहते हैं, आपके दोस्तों जो प्रायोगिक की पुस्तक है उसमें ये चित्र आपके दे रखा होगा, आप देखिएगा, मेजरिंग व्हील इसे दोस्तों कहते हैं, इस पर दोस्तों रीडिंग अंकित होती है और ये घूमने पर दोस्तों क्या होता है, ये व्हील घूमता है, ये व्हील घूमने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर एक होती है आपके काउंटिंग डिस्क, जिसे आपके कहते हैं काउंटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, काउंटिंग डिस्क,
ये भी दोस्तों अगर ये पूरी घूमेगी तो ये एक बार दोस्तों आपके इस पर रीडिंग अंकित की जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आपके एक होता है वर्नियर, वर्नियर स्केल होती है यहाँ पर, जिसकी भी रीडिंग नोट की जाती है, वर्नियर होती है यहाँ पर। तो ये आपके पाठ्यपुस्तक में दोस्तों दे रखा है, और शॉर्ट में हमने समझा कि ये किस प्रकार का है। यहाँ पे दो आर्म होती है, एक आर्म है दोस्तों जिसको एंकर आर्म कहते हैं, ये आपके ट्रेसिंग आर्म है। इसी की सहायता से या तो आपकी फिक्स रहती है दोस्तों एंकर आर्म, और ट्रेसिंग आर्म की सहायता से दोस्तों जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है उसको उसके चारों ओर दोस्तों घुमाया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा आसानी से कि जो ये प्लेनीमीटर है ये किस प्रकार से कार्य करता है। अब बात कर दोस्तों इसके क्षेत्रफल की, यानी दोस्तों अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है, यानी कि एरिया ए बराबर एम मल्टीप्लाई बाय एफ आर माइनस आई आर प्लस माइनस 10 एन प्लस सी। तो ये दोस्तों आपके फॉर्मूला है, इसकी सहायता से जो प्लेनीमीटर में रीडिंग अंकित होती है हमारे, रीडिंग को नोट किया जाता है, और इसकी सहायता से दोस्तों यानी इस फॉर्मूले की सहायता से क्षेत्रफल को निकाला जाता है। अब दोस्तों इसमें ये जो M है या एफ आर है या आई आर है या N है ये C है, ये सभी क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस है दोस्तों। वापस फॉर्मूले को रिपीट कर रहा हूँ, M ये जो कोष्टक है उसके पश्चात आपके एफ आर माइनस आई आर फिर प्लस माइनस फिर 10 गुणा आपके N फिर प्लस सी फिर कोष्टक बंद। तो ये है आपके फॉर्मूला जिसकी सहायता से हम मानचित्र का दोस्तों क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर C और M की बात करें तो ये तो है दोस्तों आपके कांस्टेंट, क्या है ये कांस्टेंट है, इसका मान हमें दे रखा होगा, इसका जो भी हमें क्षेत्रफल होगा उसकी सहायता से हम इसका मान यहाँ पर पुटअप करके क्षेत्रफल निकालेंगे। और बात करें दोस्तों एफ आर की, तो एफ आर क्या है दोस्तों, एफ आर का मतलब यहाँ पे फाइनल रीडिंग, क्या है फाइनल रीडिंग, और आई आर का मतलब है दोस्तों आपके इनिशियल रीडिंग, क्या है इनिशियल रीडिंग, और एन यहाँ पे क्या है दोस्तों, एन जो हमने दोस्तों प्लेनीमीटर के बारे में पढ़ा था कि जो आपके डिस्क होती है, जो डिस्क होती है वो कितना चक्कर करती है उसको दोस्तों यहाँ पर रखा जाएगा, यानी जो व्हील होता है व्हील के दोस्तों एक बार घूमने पर इसमें एक रीडिंग अंकित होगी, दूसरी बार घूमने पर दो रीडिंग अंकित होगी, और जितनी दोस्तों ये व्हील आपके घूमेगा उसकी रीडिंग दोस्तों इसमें अंकित की जाएगी, यानी उसका मान दोस्तों इसमें रखा जाएगा। तो इस फॉर्मूले से दोस्तों हम आसानी से मानचित्र के जो क्षेत्रफल है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये प्लस माइनस दोस्तों आपको समझ नहीं आएगा कि प्लस माइनस क्या है, अगर अब दोस्तों एरिया हम अगर मानचित्र का किसी एरिया ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, जो ये व्हील होता है, व्हील की दोस्तों हमने चर्चा की थी, जो व्हील होता है तो व्हील दोस्तों एक तो या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, क्योंकि एरिया तो दोस्तों किसी भी प्रकार का हो सकता है ना। तो आपके जो ये एंकर आर्म है ये तो आपकी फिक्स रहेगी, और जो ट्रेसिंग आर्म है इसकी सहायता से हम घुमाएंगे तो ये व्हील दोस्तों उल्टा भी घूम सकता है और सीधा भी घूम सकता है, यानी अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो यहाँ पर प्लस वैल्यू ली जाएगी, और अगर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमता है तो यहाँ पर माइनस आपके चिन्ह लिया जाएगा। तो आपको आसानी समझ में आएगा कि एफ आर क्या है, ये है आपके दोस्तों फाइनल रीडिंग, आई आर क्या है ये आपके इनिशियल रीडिंग, और प्लस माइनस क्या है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जब घूमता है तो प्लस माइनस लिया जाता है, और एन क्या है दोस्तों जब नंबर ऑफ जो डिस्क घूमती है आपके जितने टाइम बाद उसको दोस्तों उसका मान आपके होगा एन, और सी और एम आपके दोस्तों हैं कॉन्स्टेंट। तो इसकी सहायता से हम आप मानचित्र के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं प्लेनीमीटर द्वारा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे 12वां प्रश्न, मानचित्र एवं धरातल से आपसी संबंधों को कितनी विधियों से व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसको कितनी विधियों से व्यक्त किया जाता है, ये किया जाता है आपके तीन विधियों से। अब ये तीन विधियाँ कौन कौन सी है, ये तीन विधियों की बात करें तो एक तो है दोस्तों आपके मापनी प्रकथन, कौन सी मापनी प्रकथन, दूसरी की बात करें तो दूसरी है दोस्तों आपके आलेखी तथा ग्राफीय विधि, कौन सी आलेखी तथा ग्राफीय विधि, और तीसरी की बात करें दोस्तों तो तीसरी है आपके निरूपक भिन्न, जो कि दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपके प्रश्न जरूर बनेगा।
निरूपक भिन्न, और निरूपक भिन्न को दोस्तों आर एफ बी कहते हैं हम। आर का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब हुआ दोस्तों आपके रिप्रेजेंटेटिव। क्या मतलब हुआ? रिप्रेजेंटेटिव। और एफ का मतलब हुआ दोस्तों आपके फ्रैक्शन। तो आर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव और एफ का मतलब आपके फ्रैक्शन यानी निरूपक भिन्न। तो ये आपके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित दोस्तों प्रश्नों की हम आगे चर्चा करेंगे। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, और अगले प्रश्न से को पढ़ने से पहले दोस्तों कुछ वैल्यू है जो कि आपके माप की पद्धतियां उसकी दोस्तों आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी यह जानकारी। अब दोस्तों ये सिंपल है, आपने छोटी क्लास में इसको पढ़ा होगा, यानी कि एक किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, ये होते हैं दोस्तों आपके 1000 मीटर। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और ये दोस्तों माप की कौन सी? मैट्रिक प्रणाली है। कौन सी है? मैट्रिक प्रणाली। और एक मीटर की बात करें दोस्तों तो एक मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने? 100 सेंटीमीटर। और एक सेंटीमीटर की बात करें तो इसमें होते हैं आपके 10 मिलीमीटर। तो ये आपके दोस्तों आपके जो मैट्रिक प्रणाली है उससे संबंधित कुछ है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपके दोस्तों न्यूमेरिक जो प्रश्न होंगे उसको हल करने में आपके ये सहायता करेंगे। यानी एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ये होते हैं आपके 1000 मीटर। एक मीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। और एक सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर। अब अगला है दोस्तों आपके जो आपके माप की अंग्रेजी प्रणाली या जिसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं, इस यानी एक मील में होते हैं दोस्तों 8 फरलोंग। कितने होते हैं? 8 फरलोंग। और एक फरलोंग की बात करें तो एक फरलोंग में दोस्तों आपके होते हैं, यहाँ पे फरलोंग है, एक फरलोंग में होते हैं आपके 220 यार्ड। ये कौन सी अंग्रेजी पद्धति दोस्तों आपके अंग्रेजी प्रणाली माप की। और एक यार्ड की बात करें दोस्तों तो एक यार्ड में अब होते हैं आपके 3 फुट। कितने? 3 फुट। और एक फुट की बात करें अब तो एक फुट में हम सभी जानते हैं आसान है 12 इंच होते हैं। कितने होते हैं? 12 इंच। अब दोस्तों क्या है कि इन सभी को हमको इंच में बदलना है, क्योंकि जो चोटी का इंच है हमारे तो उसको हम सभी को इंच में बदलना है। तो दोस्तों देखिए एक फुट में कितने होते हैं? 12 इंच। तो 3 फुट में कितने होंगे? तो 12 को हम 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारे? 36 इंच। कितना आ जाएगा? 36 इंच। यानी कि एक यार्ड में कितने इंच होंगे? 36 इंच। अब दोस्तों एक फरलोंग में कितने इंच होते हैं? तो क्या करना होगा? अब एक यार्ड में कितने होते हैं? 36 इंच। तो 220 यार्ड में कितने होंगे? तो 220 को हम क्या करेंगे? 36 से गुणा कर लेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपके 7920। कितना आएगा? 7920 इंच। अब एक फरलोंग में 7920 इंच होते हैं तो एक मील में कितने होते हैं? 8 फरलोंग। कितने होते हैं? 8 फरलोंग। यानी कि एक फरलोंग में होंगे 7920 इंच, तो 8 फरलोंग में कितने हो जाएंगे? तो इस 7920 को हम 8 से गुणा कर लेंगे तो ये हमारा आएगा दोस्तों 63360 इंच। अब अगर आए दोस्तों ये वैल्यू तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे 360 इंच है, ठीक है ना दोस्तों, 63360 इंच। अब ये किस पर का रह गया, वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार। अब दोस्तों एक फुट में कितने होते हैं? 12 इंच। अब यार्ड को दोस्तों इंच में बदलना है तो एक यार्ड में हमारे होते हैं 3 फुट, तो एक फुट में 12 इंच होते हैं तो 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 36 इंच। अब 36 को 220 से गुणा करना है तो ये आपके इंच में चेंज हो जाएगा, एक फरलोंग ये हो जाएगा आपके 7920 इंच। और 7920 को दोस्तों 8 से गुणा करेंगे तो एक मील में आपके इंच आ जाएंगे 63360 इंच। ये किस प्रकार का आया, आपको आसानी से समझ में आया होगा, तो इसको थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखिएगा और आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों हमारे, एक मानचित्र की मापनी में दिए गए 4 मील को 1 इंच में व्यक्त करने वाली मापनी के प्रकथन को निरूपक भिन्न में बदलिए। अब ये दोस्तों क्वेश्चन आ गया आपके न्यूमेरिकल प्रश्न, यानी आरएफ हमें निकालना है। अब आरएफ निकालने के लिए दोस्तों आपको सामान्य से जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आरएफ किस प्रकार निकालेंगे। आरएफ दोस्तों एक भिन्न है, भिन्न निकालेंगे हम तो किस प्रकार निकालेंगे, यानी कि ऊपर आपके होगा दोस्तों अंश, ऊपर जो होता है इस लाइन के ऊपर इसको अंश कहते हैं, और नीचे वाली लाइन को दोस्तों नीचे वाला जो आपके मान होगा उसको कहते हैं आपके, यानी लाइन के नीचे उसे कहते हैं हर। अब ऊपर
क्या होगा दोस्तों, अंश में मानचित्र में किसी रेखिक माप की एक इकाई, मानचित्र में दोस्तों जो एक इकाई होगी, यह अंश हमेशा एक इकाई होती है। कितनी होती है दोस्तों? एक इकाई। और जो हर होती है उन्हीं इकाइयों का धरातल में मापी गई दूरी, उन्हीं इकाइयों के दोस्तों धरातल में मापी गई दूरी होगी वो आपके क्या होगी? हर होगी। धरातल में मापी दूरी ये क्या होगी दोस्तों? ये होगी आपके हर। यहाँ पर अंश हमेशा एक ही होगी और ये जो आपके दूरी होगी दे रखी होगी आपके, वो होगी आपके धरातल की दूरी। अब चलते हैं हमारे प्रश्न की। अब हमें प्रश्न में दे रखा है दोस्तों कि 4 मील को 1 इंच में व्यक्त करने वाले। अब दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी कि एक मील में दोस्तों कितने इंच होते हैं, हमें इंच में व्यक्त करना है क्योंकि 1 इंच में व्यक्त करने वाले मापने के रूप में हमें मान ज्ञात करना है निरूपक भिन्न का। तो दोस्तों 1 मील में हमने चर्चा की कि 63,360 क्या होते हैं? इंच होते हैं। क्या होते हैं? इंच होते हैं। अब दोस्तों एक मील में 63,360 है। अब हमें क्या पूछा है? 4 मील में। तो क्या करेंगे? इसको 4 से गुणा कर लेंगे। क्या करना है? इसको 4 से गुणा करना है। तो इसको 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? यह आ जाएगा दोस्तों आपके 253,440 इंच। तो यह कितना हो गया मान? ये मान 1:253,440। तो यही उत्तर हुआ। इसी से हम आपके जो RF है या जो निरूपक भिन्न जिसे कहते हैं, इसी प्रकार से आसानी से हम निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपकी अंश हो गई और ये हो गई आपकी हर। अंश हमेशा एक होती है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन। लेकिन जो दोस्तों प्रणालियाँ हैं माप की, जिसकी हमने दोस्तों चर्चा की, यानी जो माप की मैट्रिक प्रणाली है, जो अंग्रेजी प्रणाली है, यानी 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर कितने, या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर आपके मिलीमीटर होते हैं, इसको आपको दोस्तों जानकारी होनी चाहिए। और यदि ये अगर आपको जानकारी होगी तो ही आप दोस्तों निरूपक भिन्न आप निकाल सकते हैं। अब ये 4 कहाँ से आया दोस्तों? आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा कि 1 मील की दोस्तों हमने चर्चा की थी कि 63,360 इंच होते हैं और हमें 4 मील का देर का, इसलिए यहाँ पे दोस्तों 4 आया और इसको 4 से गुणा किया तो ये आपके 253,440 आया। और अंश में हमेशा दोस्तों आपके एक होता है, इसी कारण इसका उत्तर 1:253,440 होगा। मापने के आधार पर ये होगी आपके निरूपक भिन्न। तो उम्मीद है कि आसानी से समझ में आएगा और बेहद ही आसान है दोस्तों, कोई इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली चीज़ भी नहीं है। और दोस्तों जो माप की आपके अंग्रेजी प्रणाली, यानी 1 मील में 8 फर्लोंग, 1 फर्लोंग में 220 यार्ड, 1 यार्ड में 10 फुट, 1 फुट में 12 इंच, और मील को भी दोस्तों इंच में परिवर्तित करने की अभी हमने चर्चा की। आप दोस्तों वीडियो को बैक लीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका उत्तर तो हमारा क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी आपके न्यूमेरिकल प्रश्न। एक मानचित्र की मापनी में दिए गए 2 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में व्यक्त करने वाले प्राकथन को निरूपक भिन्न में बदलिए। अब इसको भी दोस्तों आपके निरूपक भिन्न में बदलना है। तो इसको कैसे बदलेंगे? वही दोस्तों आसानी से, यानी कि आपको 1 सेंटीमीटर में हमने चर्चा की कि अब दोस्तों ये जो 2 किलोमीटर है, सबसे पहले इसको क्या कीजिए? सेंटीमीटर में परिवर्तित कर दीजिए। तो अब इसको सेंटीमीटर में कैसे करोगे? तो 2, अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? ये हो जाएंगे आपके 100, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर? ये हो जाएंगे आपके 1000। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके? ये आ जाएगी दोस्तों आपके 2 लाख। कितनी आ जाएगी? 2 लाख। और ऊपर हमेशा 1 आता है क्योंकि 1 सेंटीमीटर को दोस्तों हमें 2 किमी की जो मापनी है उसमें बदलना था। तो आपके उत्तर होगा सही आपके 1:2 लाख। यहाँ पर दोस्तों आपके शायद 20,000 देर का है तो यहाँ पर 10 और आएगा, ठीक है ना, 10 और आएगा। इसका थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो अ ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप इसको, यानी निरूपक भिन्न, यानी जिसे RF, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, इससे आप दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। और पूरे 100% चांसेस है दोस्तों कि जो RF का मान है वो निकाल सकने से संबंधित आपके 1% आने की पूरी संभावना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन आ होगा। यहाँ पर दोस्तों 20,000 नहीं है, यहाँ पर आपके 1:2 लाख।
चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों 2 लाख कैसे आया कि हमने 2 किमी को यानी 2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में परिवर्तित किया, इस कारण आपके 2 लाख आया। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 15 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मापने की सर्वाधिक सार्वत्रिक विधि, तो मापने की कौन सी विधि है जो सार्वत्रिक विधि है इनमें से, तो ये विधि है दोस्तों आपके कौन सी विधि, ये विधि है आपके निरूपक विधि, निरूपक भिन्न की जो विधि है ये, जिसे RFB कहते हैं, और इसके प्रश्नों के बारे में भी हमने दोस्तों पिछले प्रश्नों में चर्चा की, तो वह ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 16 प्रश्न, मानचित्र की दूरी को मापने में किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है मापने में दोस्तों मानचित्र की दूरी को, ऊपर तो आपके मानचित्र की दूरी और नीचे क्या है कि आपके धरातल की दूरी, तो ऊपर मानचित्र दूरी को किस रूप में जाना जाता है, इसको अंश के रूप में, और हर को किस रूप में, आपके धरातल की दूरी के रूप में, तो आपके अ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 17वां प्रश्न है, मापनी में अंश व्यक्त करता है, तो दोस्तों मापनी में अंश किसको व्यक्त करता है, तो इसकी भी दोस्तों हमने चर्चा की, किसको व्यक्त करता है मानचित्र पर दूरी को, और हर किसको व्यक्त करता है धरातल की दूरी को, तो हर का भी अगर पूछे तो हर धरातल की दूरी को व्यक्त करता है और अंश किसको करता है मानचित्र की दूरी को, और भिन्न का ये जो रूप है अंश बटा हर, ऊपर वाली जो दोस्तों संख्या आपके दे रखी होगी वो तो अंश होगी और नीचे वाले क्या होगी आपके हर, और इसको दोस्तों अंश अनुपात हर इस रूप में भी दोस्तों हम लिख सकते हैं। इस अनुपात का मतलब भी क्या होता है दोस्तों आपके बटा, यानी अंश बटा हर, तो अ इसका ऑप्शन आपके होगा ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी अंश किसको व्यक्त करता है मानचित्र पर दूरी को, और हर किसको व्यक्त करता है धरातल की दूरी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 18वां प्रश्न, ये भी दोस्तों थोड़ा न्यूमेरिकल प्रश्न है कि 1 अनुपात 1 लाख भिन्न किमी में व्यक्त करो, अब इसको किलोमीटर में किस व्यक्त करता है, इनमें से क्या व्यक्त करता है, क्या 1 किलोमीटर को व्यक्त करता है ये भिन्न, या 1 मिलीमीटर को व्यक्त करता है, या 1 सेंटीमीटर को व्यक्त करता है, या फिर 1 मीटर को व्यक्त करता है, तो ये किसको व्यक्त करता है दोस्तों। अब हम सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने दोस्तों सेंटीमीटर होते हैं, तो ये होते हैं आपके 1 लाख, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन है, यानी यहाँ पर है जो 1 अनुपात आपके 1 लाख दे रखा है, ये तो हो गया आपके सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में भी किसकी भिन्न है, तो ये होगी दोस्तों आपके 1 किलोमीटर की, तो किसका ऑप्शन सही क्या होगा, ऑप्शन अ किसको व्यक्त करता है ये करता है 1 किलोमीटर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1 अनुपात 31,680 भिन्न फरलोंग में व्यक्त करता है, तो फरलोंग में किसको व्यक्त करता है, अब बात करें दोस्तों 1 फरलोंग की तो 1 फरलोंग में आपके कितने इंच होते हैं, 1 होते हैं आपके 7,920 इंच, कितने इंच होते हैं 7,920 इंच, और हमें देर का है मान कितना दोस्तों 31,680, कितना देर का है दोस्तों 31,680, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आप पर कितना आ जाएगा दोस्तों आपके 4 फरलोंग, कितना आ जाएगा 4 फरलोंग, तो किसको व्यक्त करेगा भिन्न, ये भिन्न व्यक्त करेगी आपके 4 फरलोंग को, तो वो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न दोस्तों कि 1 अनुपात 1,26,720 भिन्न मील में व्यक्त करता है, अब दोस्तों मील की बात करें तो एक मील में कितने इंच होते हैं, ये होते हैं आपके 63,360, अब इसमें दोस्तों आपके 1,26,720 का भाग देना है 63,360 से, अब 63,360 कहाँ से आया कि एक मील में होते हैं ये इंच, तो इसका डिवाइड करेंगे तो आपके कितना आएगा दोस्तों 2 आंसर, कितना आएगा 2 आंसर, तो ये किसको व्यक्त करता है इनमें से, ये व्यक्त करता है आपके 2 मील को, तो अ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं, तो ये थे दोस्तों आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रायोगिक की जो पुस्तक है उसका, और जो हमारे सिलेबस है उसका 24वां चैप्टर मानचित्र मापनी और उसके प्रकार, और जो RF है दोस्तों यानी जो निरूपक भिन्न है, इसमें से आपके 1 प्रश्न आने की पूरी दोस्तों संभावना है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और जो आपके पाठ्य पुस्तक है यानी प्रायोगिक की जो पुस्तक है दोस्तों उसमें जितने भी दोस्तों न्यूमेरिकल दे रखे हैं उसको आप हल कीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यानी अड्डा MCQ GK चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों हमारे नए वीडियो में,
कुछ ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इससे पहले दोस्तों हम 23 चैप्टर की भी पूरे विस्तार के साथ चर्चा कर चुके हैं। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं इन 23 चैप्टर को। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।